What, झुमका? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। दोस्तों, ये आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म का नया टाइटल दिया गया है। और आपको बता दें कि इस फिल्म का जो ट्रेलर है हाल ही में रिलीज़ किया गया है। और सबसे ख़ास बात इस फिल्म की ये है कि इसमें धर्मेंद्र पाजी देखने को मिलने वाले हैं, जया बच्चन देखने को मिलने वाली हैं, शबाना जी देखने को मिलने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं एक यंग एक्टर्स यानी कि आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की जोड़ी देखने को मिलेगी। और वहीं कुछ पुराने एक्टर्स को भी लिया गया है जो कि इस फिल्म के अंदर ड्रामा क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। यानी कि दोस्तों, ये फिल्म जो है ड्रामा के साथ ही साथ इंटरटेनमेंट भी देगी, कॉमेडी भी देगी और पूरा फैमिली वाइब जो है ये फिल्म होने वाली है। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस फिल्म के गाने की। तो आपको बता दें कि इस फिल्म का जो दोस्तों सबसे पहला गाना होने वाला है वो होगा झुमका। जी हाँ दोस्तों, झुमका गाना आप लोगों को देखने को मिलने वाला है अगले हफ्ते। दोस्तों वैसे तो अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया है इस फिल्म का जो है ऑफिशियल ट्रेलर, तो जो गाना है दोस्तों वो अगले हफ्ते आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि कह सकते हैं कि 12-13 तारीख तक ये जो गाना है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि झुमका गाना जो है पूरा का पूरा गाना, इसमें डांस नंबर होने वाला है जहाँ पे पूरे बैकग्राउंड डांसर्स रहने वाले हैं और ये गाना जो है एक तरीके से फुल वाइब देने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस गाने को जो म्यूज़िक दिया है वो प्रीतम ने दिया है और लिरिक्स लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य जी ने। और सारे गामा पे भी आपको ये गाना सुनने को मिलेगा जब रिलीज़ किया जाएगा तब। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर फिल्म की बात करें तो ये फिल्म जो है 28 जुलाई को रिलीज़ की जाने वाली है सिनेमाघरों में। और ये फिल्म जो है काफ़ी कॉमेडी से भरी फिल्म लग रही है, तो उम्मीद है कि ये फिल्म हिट साबित होगी, क्योंकि दोस्तों जो फिल्म का ट्रेलर है वो काफ़ी बेहतरीन है और लोग जो है काफ़ी इस फिल्म के ट्रेलर को जो है पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट में लिख के ज़रूर बताएँ और गाने के लिए कितने एक्साइटेड हैं ये भी बताएँ। सब्सक्राइब कर दोस्तों चैनल को। धन्यवाद।